अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप सबके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। तो अभी जब मैं उठ के सहरी के लिए आई हूँ किचन में, तो किचन में सहरी बन रही है, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किचन में काम हो रहा हो, मैं अपने व्यूअर्स के लिए व्लॉग रिकॉर्ड ना करूँ। तो बस फिर मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और मैंने कहा चले अब आप लोग बनाएं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बल्कि अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि हमारी सहरी में आज क्या बन रहा है। तो मामा जो है वो पराठे बना रही हैं और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है। ये वाला जो ऑमलेट है ना, मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आज मैं सोच रही थी कि इस रमज़ान में हमने ये वाला ऑमलेट नहीं बनाया, तो जब मैं किचन में आई तो फिर ना मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात हो गई है। और इसको बनाते कैसे हैं, ऑयल में पहले टमाटर जो है वो पका लेते हैं, जब वो मैश हो जाते हैं फिर उसमें हरी मिर्च और नमक डालते हैं, और उसके बाद इसमें अंडे तोड़ के डालने हैं, और फिर इसमें चीज़ का स्लाइस डालना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पूरे ऑमलेट को। तो ये आपका मज़ेदार सा सिंपल सा ऑमलेट बन जाएगा। तो सहरी हमारी रेडी हो गई, हमने आज सिर्फ अंडे बनाए थे, बाकी ये चने हैं और मिक्स सब्ज़ी है वो खाएंगे। तो ये देखिए टेबल पे सब कुछ लग चुका है और फिर मज़ेदार सी सहरी मैंने कर ली। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मामा ने कहा कि ये चने भिगो दो, आज मैया की फ्रेंड आ रही है और उसका बर्थडे भी है ना, तो फिर मैंने चने वगैरह भिगो दिए, अपने कपड़े प्रेस किए और फिर मैं सो गई। फिर जब मैं उठी तो काफ़ी लेट आज हो गई थी, गाड़ी वाला शायद जल्दी आ गया था, और मैं फ़ौरन से बस रेडी हुई और रेडी होके फिर मैं ऑफ़िस आ गई। और मैं ऑफ़िस में बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड ने कर्टन्स हटाए और इतनी तेज़ धूप आ रही थी बाहर से, मुझे गर्मी लगने लग गई थी, फिर मैंने कर्टन्स वापस नीचे कर दिए, बल्कि आज तो मैंने हल्का सा फ़ैन भी चला दिया था। फिर खैर मैं घर आई, आज मैं घर आई तो किचन में काफ़ी ज़ोर और शोर से काम हो रहा था, क्योंकि इसमें एक फ्रेंड आ रही थी, उसका बर्थडे भी है, तो आज इन्होंने सोचा था कि कुछ डिफरेंट चीज़ें भी बनाएंगे इफ्तारी के साथ, तो यहाँ पे बस वही तैयारी हो रही है। और आज ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा ना हेडेक फील हो रहा था जब मैं घर आई, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी थी किचन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें तो हुई हुई थी, लाइक आलू वगैरह बॉईल किए हुए थे मामा ने, बस दही भल्ले जो है ना उनकी मिक्सिंग करनी थी। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो मैं यही कर देती हूँ ताकि सारी सारी चीज़ें रेडी होती रहें और फिर हम इनको साइड पर रखते जाएँ। तो ये दही भल्ले बन रहे हैं, दही भल्ले हम सबको बहुत पसंद हैं, तो इस रमज़ान में ज़्यादातर ना यही बना लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे सुमैया ये बना रही है मलाई बोटी रैप्स। तो सुमैया जो है ना वो नेट पे कोई भी रेसिपी देख लेती है और फिर उसने वो बनानी होती है, तो उसने ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी बर्थडे पे बनाऊँगी, तो वो बना रही है और मैं यहाँ पे दही भल्ले रेडी कर रही हूँ। और आप लोग बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या रूटीन है आजकल? मेरी तो बस यही रूटीन हुई हुई आजकल, थोड़ी सी बिज़ी हुई हुई है रूटीन, तो टाइम का पता ही नहीं लगता कि किस तरह पूरा दिन गुजर जाता है, और बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और यहाँ पे मैं चीज़ें जो हैं वो अलग से बोल में भी निकाल रही हूँ छोड़े, क्योंकि सुमैया की फ्रेंड आ रही है तो ये दोनों अलग से बैठ के इफ्तारी करेंगी, तो हमने कहा चलो बच्चियाँ हैं आराम से इजी होके खा लेंगी, हम हमारी फैमिली में ऐसा ना कि वो शर्म करे या कुछ खाए ना, तो सुमैया कहती कि हम ना अलग से खा लेंगे, उन्होंने कहा चलो ठीक है ये भी अच्छी बात है, तो इसलिए मैं उसकी अलग से चीज़ें निकाल रही हूँ। और अब मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ, आंटी ने मुझे फ्रूट वगैरह काट के नहीं थोड़ी धो के दे दिया था, तो और मैं अब इनकी कटिंग करूँगी। तो ये अमरूद काट रही हूँ, ये देखने में लग रहे थे कि बहुत कच्चे हैं या ग्रीन कलर के हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही थे जब इनको कट किया, मैं यही कह रही थी कि आंटी ये तो कच्चे कच्चे लग रहे हैं ना, तो फिर जब इन्हें कट किया तो ये बिल्कुल सही थे, सॉफ्ट थे और कच्चे भी फील नहीं हो रहे थे। ये तो मैंने बीज के साथ ही काट लिया था, फिर बाकी जो है मैंने इनके बीज निकाल दिए थे। और फिर मैं एप्पल्स काट रही हूँ, एप्पल्स के बाद इसमें स्ट्रॉबेरीज डालूंगी, स्ट्रॉबेरीज अभी भी हैं सीज़न में, मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं, तो फिर ये कि यूज़ हो जाती हैं इसमें फ्रूट चाट में, फ्रूट चाट भी थोड़ी कलरफुल हो जाती है, मुझे बिल्कुल वाइट वाइट फ्रूट चाट नहीं पसंद, तो फिर मुझे होता है कि चलो कोई एक कलर वाली चीज़ जो है ना वो बीच में चली जाए। तो बस यहाँ पे फ्रूट चाट रेडी कर रही हूँ, टाइम भी अब कम है,
और चीज़ें वगैरह बस हम फाइनलाइज़ करते जा रहे हैं। ये देखिए जी, अब आया ना मज़ा फ्रूट चाट का, कलर ऐड हो गया इसमें। तो खैर, आज जब मैं घर आई ना तो मुझे थोड़ा सा हेडेक था और मैं थोड़ी ज़्यादा मतलब टाइट हुई भी थी, तो मेरा किसी से बात करने का दिल भी नहीं कर रहा था। मैं चुप होकर बस अपना काम कर रही थी। मैंने अपना कैमरा लगाया स्टैंड पे और फिर मैंने कहा बस अब मैं आराम से ना अपना काम करती हूँ। सब अपना अपना लगे हुए थे और मैं चुप होकर अपना काम कर रही थी। और ये देखिए जी, हमारी फ्रूट चाट रेडी हो रही है। थोड़ी सी चीनी डाली है, चाट मसाला डाला है और इसको मिक्स करेंगे और ये फिर हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। और जो हमारे घर में आज थोड़ा डिफरेंट मेन्यू बन रहा है, उसमें मैक्रोनी है, मलाई बूटी रैप्स हैं और क्या है, लोडेड फ्राइज़ हैं। तो मैंने बनाई थी दही भल्ले और फ्रूट चाट, तो मुझे लग रहा था कि मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली और अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं आराम से बैठ जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुमैया की फ्रेंड आ गई थी, तो सुमैया उसके साथ जाके बैठ गई और वो मुझे कह गई कि तुम ना मलाई बूटी रैप्स जो है मेरे वो फ्राई कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठो, हम कर लेंगे। तो ये जो है मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, फ्राइज़ भी बन रहे हैं और चिकन जो थोड़ा सा बच गया था उसका रोस्ट बन रहा है। तो ये देखिए जी, हमारी चीज़ें बस तकरीबन तैयार होने ही वाली हैं। ये लोडेड फ्राइज़ की असेंबलिंग हो रही है। और बस इसको हम रख देंगे ताकि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए और ख़ुद हम इफ्तारी करने चले गए। और टेबल पे सब कुछ लग चुका है, सारी चीज़ें टाइमली रेडी हो गई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, रोज़ा इफ्तार होने वाला है और ये दुआ का टाइम होता है। और हमें चाहिए कि हम सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें इतनी रहमतों नेमतों बरकतों से नवाजता है। और ये मामा ना धनिया डाल रही थी दही भल्लों पर। आज ना मामा को हो रहा था कि किसी भी चीज़ में धनिया नहीं है। मेरी मामा को ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो फिर खुद ही ले आई उन्होंने, दही भल्लों में भी डाला और मैक्रोनी पे भी डाल दिया। तो हम मजाक कर रहे थे कि मामा ऐसा ना हो कि आप फ्रूट चाट में भी धनिया डालते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है। खैर, अभी हमारा रोज़ा जो है वो इफ्तार हो गया है, हम इफ्तारी करेंगे। सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी लेकिन मेरी तबीयत आज थोड़ी सी डाउन थी। मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया, मैंने थोड़ी थोड़ा सा बस खाया था, थोड़े से दही भल्ले खाए थे, टेस्ट की थी बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। और उसके बाद ना हम ये मलाई बोटी रैप्स बहुत टेस्टी बने थे, ये बहुत अच्छे थे। मैं इनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, सुमैया से ही कहूँगी किसी दिन के वो बना ले और मैं फिर रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये सुमैया की फ्रेंड लेकर आई थी, ये चने की दाल थी मसाले में बनी हुई और ये ऊपर कुछ पकौड़े थे। ज़रा डिफरेंट सी चीज़ थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था लेकिन मज़े की थी। वो लोग कराची के रहने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को पता है कि इसको क्या बोलते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मैं लोडेड फ्राइज़ खा रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं खाया गया था इफ्तारी टाइम। फिर जब लोडेड फ्राइज़ आए तो ये मैंने खा लिए थे, बहुत टेस्टी बने थे। इसके अलावा मैं सो गई फिर इफ्तारी करके, और अच्छा खासा सोई थी। फिर 3-3.5 घंटे बाद जब मैं उठी, मैंने चाय पी, मेरा रूम थोड़ा सा वो मेस्टअप हुआ हुआ था तो मैंने अपना रूम ठीक किया, थोड़ा सा चीज़ें वगैरह समेटी। फिर मैंने फ्रिज से निकाली फ्रूट चाट, मुझे भूख लग रही थी तो अब मैं फ्रूट चाट खा रही हूँ। फ्रूट चाट खाते खाते मुझे ख्याल आया कि जो मेरा मतलब जूतों वाला जो एक कबर्ड है वो काफ़ी गंदी हो रही है, तो मैं उसको साफ़ करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि उसकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो वो जब मैंने खोली तो भई हालत क्या, वो तो उसका तो बेड़े गर्क हुआ हुआ था, इतनी चीज़ें इन्होंने अंदर डाली हुई थी, घुसाई हुई थी। खैर, फिर मैंने इसमें सारी फालतू चीज़ें निकाल ली, अपना ये सारा कुछ सेट करके रखा तो ताकि मुझे इजीली हर चीज़ मिल जाए। बस ये मेरा आज का दिन यहाँ पे एंड हो जाता है, मेरा छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।